राजघाट बना स्विमिंग पूल, दिल्ली का पूरा राजघाट डूब गया। देखो अभी मैं आपको फ्रंट साइड से दिखाता हूँ। ये जो घर है ना, इतने गहरे गहरे घर है, ये पूरे डूबे में। तो आप सब अंदाजा लगा ही सकते हो कि कितना ज्यादा गहरा पानी भरा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पर बड़ी वाली मोटर लगी हुई है, और इससे भी कम से कम एक दो दिन तो लगेंगे पानी निकलने में सारा। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। होप करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो भाई आप सब सोच रहे होंगे इतनी सुबह, तो अभी हो रहा है टाइम हो रहा है सुबह के 7 बज रहे हैं, और आज हम जा रहे हैं राजघाट, क्योंकि वहाँ पर हर कोई बोल रहा है कि वहाँ बहुत ज़्यादा पानी भर गया, बारिश आ रही है ना बहुत ज़्यादा, तो बारिशों की वजह से पानी बहुत ज़्यादा भर गया। तो चेक करने जा रहा है वहाँ पर पानी भरा हुआ है अस रियल में या नहीं। तो मेरे साथ जा रहा है शारिक, ये रहा पीयूष भाई। 3 दिन बाद क्यों आए व्लॉग में तुम? कहाँ गए हुए थे? नैनीताल गया हुआ था, है ना? मसूरी गया था? कहाँ गया था? कश्मीर गया था, ये इस वजह से। तो यार मेरे यहाँ पर पिंपल भी होगा। कहाँ और है? यहाँ पर है? हाँ, यहाँ पे। तो चलो चलते हैं यार, देखते हैं। तो गाइस राजघाट आ गया यार, यहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं है यार, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, झूठ बोल रहे थे। अब देखो यार पानी, ये देखो भरा पड़ा हुआ है यार, डूब गया राजघाट सच में। ये देखो ये ओए वाला राजघाट है, जाओ मत दे। हाँ पूरा डूब गया, पूरा डूब गया। देखो सही, ये देखो यहाँ का व्यू देखो यार, पूरा डूब गया है। तो अभी तो ये वाली जगह है, ये पूरी भर गई, और उसका मेन गेट आके दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर हर तरफ पानी है। यहाँ बाढ़ आई थी, बारिश से तो भाई इतना पानी भर नहीं सकता, यहाँ पर बाढ़ ही आई होगी जरूर। भाई मुझे डर लग रहा है हमारी स्कूटी ना डूब जाए, साइड से लेना पड़ेगा। यार मैंने सोचा था यहाँ पर मैं पार्किंग में लगाऊंगा, ये पार्किंग है, यहाँ पर हर बार मैं स्कूटी लगाता हूँ, बट पार्किंग भी डूबी पड़ी है। देखो ये देखो यार, पार्किंग भी डूब गई। तो जो भी राजघाट आने का प्लान बना रहा है तो यार मत आओ, क्योंकि यहाँ का दिल्ली का पूरा राजघाट डूब गया। देखो अभी मैं आपको फ्रंट साइड से दिखाता हूँ, इतना पानी है गहरा, एक एक दो दो मंजिल गहरा पानी है वहाँ पर, तो डूब ही जाएगा बेटा। अगर आपको आना तो नया राजघाट बनवा देंगे। तो गाइस ये देखो, ये दूसरा नंबर गेट है यहाँ का पानी भी, यहाँ पे भी फुल पानी भर गया। राजघाट पानी निकल गया, इससे निकलेगा इससे पानी, वो जो लेगा इससे निकल पाएगा पानी, देखना। हर तरफ भरा हुआ दूर दूर तक। राजघाट बना स्विमिंग पूल, तो जिसको भी आना हो 100 रुपये एंट्री है, आ जाओ, पूरे दिन नहाओ, पूरे साल नहाओ, जितना मर्जी नहाओ, बन नहाओ। भाई पहली बार ऐसा हुआ है, मैंने पहली बार देखा यार पानी भरता हुआ, और अगर हम चले गए ना इसके अंदर तो हम डूब जाएंगे पूरा। ये देखो काम मस्तियाँ कर रही है, ये डूब गया बेटा, डूब जाएगा पूरा, अंदर घुस जाएगा रहने। बहुत देखो पेड़ भी कितने अंदर डूबे हुए, तो देख सकते हो इनकी हाइट कितनी होगी, बहुत ज़्यादा गहरा लग रहा है मेरे को ये। और इसके अंदर बेटा मगरमच्छ भी होगा, मगरमच्छ। तो ये तो डूब गया, अभी वाला देखते हैं, ये वाला भी डूब ही गया होगा, गांधी दर्शन। गांधी दर्शन भी डूबे हैं। देखो भाई यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा भरा हुआ है, यहाँ पर साफ साफ। ये है गांधी दर्शन। ओ भाई
पूरा भर गया है सब। और यार यही जगह नहीं डूबी, बहुत सारी जगह डूबी है, वो हम एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। हम तो राजघाट एक्सप्लोर करने आए थे। तो देखो यार ये जो हाउस बने हुए थे, मतलब जितने भी ये देखो ये जो घर है ना, इतने गहरे गहरे घर है, ये पूरे डूबे हुए हैं। तो आप सब अंदाजा लगा ही सकते हो कि कितना ज़्यादा गहरा पानी भरा हुआ है यहाँ पे। और ये पानी निकल रहा है इसमें, पता नहीं बार बार जा रहा है पानी निकल के। देखो यार पूरा डूबा हुआ, पूरा पानी पानी भरा हुआ हर तरफ। और यहाँ पर बड़ी वाली मोटर लगी हुई है, और इससे भी कम से कम एक दो दिन तो लगेंगे पानी निकलने में। सारा एक दो दिन लगेंगे पूरा प्रॉपर पानी निकलने में भाई, पानी बहुत ज़्यादा है क्योंकि। गाइस पुलिस वालों की वजह से हर तरफ रास्ते बंद हुए हैं, सारे रास्ते ब्लॉक कर रखे हैं। देखो एक तो वाला रास्ता ब्लॉक है, और ये वाला ये ब्लॉक है, बस एक साइड खुली है जहाँ से हम आए थे, वो पूरे रोड ब्लॉक है। ये वाला रोड देखना पूरा खाली होगा, बस देखो यार आगे पूरा पानी भरा हुआ है आगे वहाँ पर आगे बिल्कुल। और देखो सारे न्यूज़ रिपोर्टर भी आए हुए हैं, देखो ये भारत एक्सप्रेस ये लेके अपने वीडियो बना रहे हैं अभी। मैंने भी आगे गया तो पुलिस वाले आने नहीं दे रहे थे, कह रहे थे वापस जा यहाँ से दिखा देंगे आपको। भाई फुल फुल भरा हुआ है यहाँ तो, बंदा पूरा डूब जाएगा देख सकते हो अंदर। देखो यहाँ पर मैं एक दो दिन पहले आया था बिल्कुल ठीक था, और अब आन के देखो तो यार अब तो पानी भर गया रोडों में भी, पानी भरा हुआ है दो साइड, टू साइड रोड खुले हुए बिल्कुल सीधा आने का और जाने का, इधर लेफ्ट राइट के सारे बंद हो गए इधर उधर के, और ऑनली स्ट्रेट। गाइस आगे वाले रोड पे पुलिस वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं, वहाँ सामने खड़े हुए मना कर रहे हैं। तो मैं आप सबको फर्स्ट नंबर दिखा दूँ, पहले नंबर गेट देखो उसका, तो ये देखो ये है पहले नंबर गेट इसका। ऐसा लगा कोई नदी वदी है। ये पुलिस वाले खड़े मना कर रहे हैं। तो ये है फर्स्ट नंबर गेट, वो सेकंड है, वो थर्ड है। अरे देखो यहाँ पर यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा रोड ब्लॉक है, वहाँ तक कोने तक। चलो अब चलते हैं घर पर, मैंने यार घर से कुछ खाकर भी नहीं आया था, नाश्ता भी नहीं कर रहा था, तो चलते हैं बाहर से रास्ते में से कुछ लेंगे। और शारिक को मैंने वहाँ खड़ा कर रखा है, पुलिस चौकीदारी कर रहा है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पुलिस वाला खड़ा हुआ है ना इस वजह से, ताकि स्कूटी उठा के नहीं ले जाए पुलिस वाला। तो देखो ये होता है नतीजा ऐसे गाड़ी छोड़ देने का, देखो सारी गाड़ियाँ लेके चले गए वो, तेरी पुलिस वालों की गाड़ी और ये रहा शारिक चौकीदारी करता हूँ। कोई आया तो नहीं पुलिस वाला? पुलिस वाला तो नहीं आया कोई? ज़ूम करके देख बड़ा लग रहा है। तो गाइस अभी बिरयानी खा रहे हैं, भूख लग रही है। बिरयानी तो हमने खा लिया, हम खाना कचौरी। तो गाइस ब्रेकफास्ट भी मैंने कर लिया और मैं घर पर भी आ गया। और आज का व्लॉग इतना ही, व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।